अनेक बाहर से आए नौजवान खिलाड़ियों को शायद नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आज से कुछ वर्ष पहले मार्च 2-3 लाख युवा ही खेल में हिस्सा लेते थे और कम लोगों को अपनी प्रतिभा को चमकाने का अवसर मिलता था। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कड़ी मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य खेल सुविधाओं का विकास भी किया है और आज हर वर्ष 50-60 लाख से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी दक्षता और क्षमता खेल के मैदानों में साबित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो शांति आई है, जहां बड़े सुरक्षा बलों ने, पुलिस के जवानों ने, पुलिस के लोगों ने मेहनत किया है, वही मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जम्मू कश्मीर में प्रशासन इंटरनेशनल स्तर के आयोजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, साथ ही पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बच्चों और नौजवानों के बीच एक मजबूत खेल संस्कृति भी निर्मित हुई। मैं मानता हूं कि अभी गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स और 3 दिन पहले समाप्त हुए एशियाई पैरा गेम्स में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने यहां के अन्य युवाओं ने एक नई आशा की किरण जगाई। मैं उद्देश्यों को लेकर अत्यंत सकारात्मक सोच का आदमी हूं, लेकिन ये सच है कि अभी हमें लंबा रास्ता तय करना, लाखों सपनों को साकार करना है। हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से और ख्वाहिश भी रखते हैं 140 करोड़ सपनों को पूरा करने के लिए जब ओलंपिक में मेडल्स का शतक लगाया जाए तो उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट का भी योगदान शामिल हो। इसलिए ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोचिंग की व्यवस्था स्थापित करें, स्पोर्ट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहित करें और हाउसिंग कॉलोनी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक हर कड़ी में स्पोर्ट्स कल्चर को पनपने का अवसर दें। हम पर्टिकुलरली जेएनके नेशनल का, मैं जेएनके मैं प्लेयर एक हूँ, मैं कैप्टन, एज ए कैप्टन मैं बता रहा हूँ कि जो ये प्रोग्राम इधर हो रहा है, ये 67th नेशनल स्कूल गेम्स है और इसमें तकरीबन ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्टेट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस साल जेएनके होस्ट कर रहा है ये के, और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जेएनके होस्ट कर रहा है, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हासिल होने वाला है क्योंकि ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये होस्ट जेएनके ही कर रहा है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं क्योंकि जब पहले ही सेटअप पे हमारी सक्सेस होगी और इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और हमारा मकसद ये है कि हमारा गोल्ड आना चाहिए, इससे हमारे ही बेनिफिट हैं। तो जो हमारा कैंप रहा, पहली बार मैंने देखा है कि नेशनल में कैंप रहा है, तो पहली बार कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के सब प्लेयर्स एक साथ कॉम्बिनेशन करके खेल रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हमारा गोल्ड आ जाए। तो आपको लग रहा है कि ऐसी कैंप्स होनी चाहिए? हाँ, इससे बूस्ट हो जाता है जो ये टूर्नामेंट्स आती है, तो ये यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से आती है, तो इससे हमारा बूस्ट हो जाता है, मतलब कि एक लेवल आती है जो मतलब कि हमको बेनिफिट देगी आगे।